हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है ब्रजेश कुमार और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अवध ब्लॉग। तो भाई अवध ब्लॉग चैनल में आपका स्वागत है मेरे फ्रेंड। और मैं आपको आज दिखाना चाहता हूं अपना 800 कार। तो 800 कार मेरा मतलब देख लीजिए भाई ये, और हम अपने ही इसी 800 कार में बैठे हुए हैं और हम आपको दिखाएँगे अपने 800 कार के बारे में मतलब सारे चीज़ की जानकारी। तो इसमें मतलब बताऊँगा कि कैसे क्या है और कैसे मतलब चलता है, चला कर भी दिखाऊँगा और कैसे क्या है मतलब सारे चीज़ को मैं मतलब आपको सारे चीज़ की डिटेल दूंगा। तो भाई चलिए शुरू करते हैं इस कार के बारे में। तो भाई मैं अपने कार के खूबियों के बारे में कुछ बता देना चाहता हूँ आपको भाई। तो देख लीजिए भाई, ये मेरे कार का गियर है, चार गियर का कार हमारा है भाई। एक रिवर्स गियर है इसमें, तो चार आगे और एक पाछे, मतलब दो मतलब पाँच गियर हुआ कुल मिलाकर इसमें। और सीटें देख लीजिए भाई, सीटें इधर एक सीट इधर और एक सीट पर मैं बैठा हूँ, तो दो सीट आगे और दो सीट पीछे। और मैं बता दूँ भाई, यानी कि चार सीटर कार है, चार लोग इस पर मतलब सवारी कर सकते हो। और उसके बाद में मतलब यहाँ सीट बेल्ट दिया गया है और मेरे यहाँ देख लीजिए भाई, ये ड्राइवर के लिए भी सीट बेल्ट दिया गया है कि मतलब कहीं मतलब जब कार चला रहे हो अपना सीट बेल्ट लगा लो और अच्छी तरह से मतलब कहीं भी जाओ आओ। तो और एक सीट, एक शीशा देख लीजिए भाई, एक शीशा यहाँ पर दिया गया है ताकि इस शीशे से अपना मतलब साइड पीछे का मतलब पीछे वाले जो वो शीशा दिख रहा है आपको वहाँ से मतलब साइड देख मिला सको। और एक शीशा उस तरफ है इसमें कि इस शीशे से आप उधर की साइड देख सको, और एक शीशा इधर है कि इस शीशे से मतलब इधर की साइड देख सको। और भाई देख लीजिए भाई, मेरा फ्रेश एकदम यहाँ ऊपर छत मतलब एकदम फ्रेश है, कोई मतलब गड़बड़ी। और यहाँ देख लीजिए भाई, कागज़ वगैरह जो रखना है आपको इसमें रख लीजिए, और अगर आगे से धूप आए तो यहाँ ऐसे कर लीजिए फिर ड्राइविंग करिए आप, तो आपको धूप नहीं लगेगा, आप मतलब आगे से फोकस नहीं लगेगा धूप का। तो और भाई ये इस तरह से मतलब अब ठीक। यहाँ डिग्गी दिया गया है भाई कि यहाँ जैसे आप सामान अपना कागज वगैरह जो भी रखना है इस डिग्गी के मतलब इस डिग्गी में अपना सामान रख लो, और यहाँ पर कुछ सामान रख लो, और यहाँ अपना चाबी वगैरह जो भी कुछ सामान रखना है रख लीजिए भाई। और मैं आपको बता दूं कि ये हवा मतलब ऊपर नीचे करने के लिए है, ये हवा ऊपर नीचे करने के लिए है, ये ब्लोअर फैन है, ये देख लीजिए ब्लोअर फैन है भाई। तो इसमें मतलब ब्लोअर फैन भी लगा है कि आप कहीं गर्मी मतलब आपको लग रहा है तो आप चला लीजिए इसको। और इसकी स्पीड भी दी गई है, देख लीजिए 140 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड दी गई है। और ये स्टीयरिंग भी काफ़ी अच्छा इसका है, देख लीजिए भाई स्टीयरिंग तो भाई काफ़ी अच्छा, बहुत सुंदर स्टीयरिंग है इसका। और एक ब्लोअर फैन यहाँ भी लगा है, और एक और यहाँ थोड़े थोड़े मतलब लगे हैं जैसे। और ये दरवाज़ा खोलने के लिए ऐसे करके दरवाज़ा आप खोल रख सकते हो, इसके फिर बंद कर सकते हो, लॉक कर सकते हो दरवाज़ा, मतलब सारी सुविधाएं इस कार में दी गई हैं। और वहाँ देख लीजिए भाई, ये देख रही हो, ये एक्सीलेटर है, ये ब्रेक है, ब्रेक, और ये भाई क्लच, ये क्लच है, और ये चोक है भाई चोक। और हमारे इसमें मतलब बाजा भी लगा है, देख लीजिए ये मतलब इसमें FM आप सुन सकते हो, और यहाँ पर USB डाटा लगाकर मतलब गाना सुन सकते हो, इसमें मतलब डायरेक्ट मेमोरी चिप लगाकर सुन सकते हो, इसमें मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हो। तो मतलब सारी सुविधाएं इस कार में दी गई है, आप जैसे कहीं आप सफ़र कर रहे हो उबने लगे तो यहाँ गाना लगा लीजिए, आप गाना सुनते जाइए, मनोरंजन लेते जाइए। तो ऐसा कार मतलब है हमारे पास। तो भाई लेकिन मतलब कार तो भाई काफ़ी पुराना है, मतलब लगभग 10-15 साल का तो हो ही गया होगा, और मगर कागज़ पत्र एकदम सही है इसका, ओके। और पेट्रोल से चलता है हमारा एक कार, पेट्रोल से 17 किलोमीटर की एवरेज देता है, एक लीटर में 17 किलोमीटर चलता है भाई हमारा एक कार।
तो भाई मैं घर आ गया और थोड़ा सा मतलब चलाकर भी कार दिखाया आपको। तो भाई कार हमारा तो भाई काफ़ी अच्छी तरह से चल रहा है, मतलब कोई कमी नहीं है इसमें। और एक चीज़ हमने आपको और नहीं बताया था, इसमें जो बता दूँ, इस कार को मतलब जैसे कि हैंड ब्रेक अगर लगाना है आपको, इसे कहीं खड़ा करो तो यहाँ पर देख लीजिए भाई हैंड ब्रेक है, ये ऐसे करके हैंड ब्रेक लगा सकते हो। उसके बाद में मतलब कार अपना खड़ा कर सकते हो। उसके बाद में जैसे कहीं भी मतलब चलाना हो, फिर आप हैंड ब्रेक इस तरह से गिरा कर आप चला सकते हो कार को। तो भाई कार को हमने आपको चलाकर दिखाया और कार काफ़ी अच्छा चल रहा है, मतलब ठीक ठाक है, ना ही कोई आवाज़, और बहुत ही अच्छे से चल रहा है। तो भाई हमारा 800 कार आपको कैसा लगा आप बताना कमेंट करके, और मेरे हाँ भाई मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और